पढ़ाने के लिए फिर से। अच्छा हिमाचल पढ़ा दिए थे, हिमाचल के बारे में क्या बताए थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं अभी। ठीक चलिए, ये क्या है ये? ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सबसे यहाँ पर केंद्र में क्या था ये? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं? एचपी। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ये शिमला, शिमला से ऊपर चलेंगे तो कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। उसके ऊपर मनाली यहाँ पर मिलेगा। ऊपर हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत श्रेणी? पीर पंजाब। चलिए सबसे नीचे पीर पंजाब, नीचे कौन सा पर्वत श्रेणी बोलिए? धौलाधर। धौलाधर, तो पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में कौन सा घाटी मिलेगा आपको? मनाली और कुल्लू और मनाली। इससे यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पे कौन सा जगह, ये कौन सा जगह? धर्मशाला में। धर्मशाला में किनका निवास स्थान? दलाई लामा। कहाँ से भाग के आए थे? दलाई लामा क्या किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं, दलाई लामा एक व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का पोस्ट होता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसी का नाम है? नहीं, एक पोस्ट होता है। राष्ट्रपति किसी का नाम है? एक पोस्ट होता है। उसी प्रकार ये दलाई लामा जो है एक पोस्ट है, जो कि धर्म गुरु होते हैं। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म में दलाई लामा एक पोस्ट होता है। कहाँ पे? हाँ, तो दलाई लामा एक पोस्ट का नाम होता है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। याद रहेगा ये दलाई लामा कहाँ से भाग कर आए थे? तिब्बत से। तिब्बत किस देश में है? चाइना के अधिकार में। तिब्बत को चाइना ने कब अधिकार कर लिया? 1959 ईस्वी में। ये सब चीज़ बता दिए थे पहले। अब ये बताइए कि इसमें आपको कुछ दर्रा भी बताए थे, जैसे ये कौन सा दारा? रोहतांग दारा। रोहतांग दारा, इसको क्या बोलते हैं? आर। अब ऊपर में बी आई, इधर सी, तो बी से बारा लाचा। बारा लाचा, कहीं कहीं बारा लाचला लिखता है, इसी को बोलते हैं बारा लाचा। सी से सिप किला। सिप किला दारा किस राज्य में? किसको किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश से चाइना को जोड़ने वाले दारा। हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ने वाला। हिमाचल प्रदेश से क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, तिब्बत से किन्नौर जिला को जोड़ने वाला दारा, यही है इस किन्नौर जिला। हिमाचल प्रदेश के कौन सा जिला है जो कि तिब्बत से सटता है? रिकांग पियो कहिए या किन्नौर कहिए, बात बराबर है। किन्नौर जिला को ही किस नाम से जाना जाता है? रिकांग पियो, इसी को बोला जाता है किन्नौर। क्या बोला जाता है? किन्नौर। किन्नौर जिला बार बार पूछता है कि चाइना से सटने वाला हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो यही डिस्ट्रिक्ट है आपका कौन सा? रिकांग पियो। ये आपका चाइना से सट जाता है रिकांग पियो, इसी को बोलते हैं किन्नौर। क्या बोलते हैं? हाँ, ये तो भारतीय ना है। भारत और चाइना ये दोनों के बीच में बहुत सारे जगह सटते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो बॉर्डर बनाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो रिकांग पियो। क्या बोला जाता है? रिकांग पियो। कौन सा दर्रा भारत और हिमाचल प्रदेश के, सॉरी, तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के बीच में है? तो सिप किला। कौन सा दारा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है? लद्दाख। ऊपर कौन सा? लद्दाख। तो बारा लच्चा दारा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। पाकिस्तान से हिमाचल प्रदेश, पंजाब से, यहाँ पे कौन है? हाँ, पंजाब से हिमाचल रोहतांग दारा। पंजाब से हिमाचल रोहतांग दारा, इतना बता दिए थे। अब हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियाँ बहती है? हिमाचल में तीन गो, आ वर्तमान पंजाब में तीन गो, आ पूर्व पंजाब में पाँच गो। पहले का जो पंजाब था अब के पंजाब में बहुत फर्क है। चलिए देखिए यहाँ पर इसमें तीन गो नदियाँ बहती। हाँ, पहले ये सब बता दिए थे ना सब पहले पिछले क्लास में। आगे चले, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो एक आपको झील मिलेगा। झील मिला?
मिला, थोड़ा सा पंजाब में घुसा होगा, हिमाचल प्रदेश में एक झील होगा जो कि पंजाब के बॉर्डर पे होगा, एकदम छोटा सा, उसका नाम है गोविंद सागर झील। कौन सा झील? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर इसका नाम क्यों पड़ा? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इसका क्या पड़ा? हाँ, गोविंद सागर झील पड़ा। गुरु गोविंद के नाम पर इस सागर का नाम क्या पड़ा? गोविंद सागर। तो जब भी पूछे गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये सब चीज़ें पहले बता दिए थे, अब चलते हैं आगे, ये रिविजन। तो जहाँ भी आपका हिमाचल प्रदेश है वहाँ से देखिएगा तो पंजाब मिलेगा आपको। मिला इस तरीके से पंजाब? नहीं मिला पंजाब? मिल गया। तो देखिए हिमाचल प्रदेश से पश्चिम दिशा में मिलेगा आपका कौन सा राज्य? पंजाब। कौन सा राज्य? पंजाब। पंजाब यहाँ जो है सबसे, पंजाबी जो स्टेट है इसके सबसे ऊपर सर पर देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा पठानकोट। मिला, यहाँ पर आपको मिलेगा पठानकोट। पठानकोट मिल गया। ये जो पठानकोट है, पठानकोट मिल गया सब लोगों को। पठानकोट हमारे पंजाब में स्थित है, वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो पठानकोट में हमारा इंडियन एयर फोर्स का एयर बेस है। क्या है? एयर बेस, अर्थात वायुसेना का अड्डा है वहाँ पर। क्या है? वायुसेना का अड्डा है। पठानकोट पर आतंकवादियों ने हमला किया था, एक बार किया था 2016 में। तो पंजाब के पठानकोट एयरबेस पे आतंकवादियों ने कब हमला किया था? तो 2016 में। पठानकोट हिंदुस्तान के किस शहर में है? पंजाब राज्य में है। पठानकोट हिंदुस्तान के किस राज्य में? पंजाब में। आप पंजाब में भी सबसे ऊपर सर पे देखिएगा यहाँ पे पठानकोट। अब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा पठानकोट के बारे में तो ये नहीं कि अब नीचे खोजेंगे बिहार आओ यूपी या इधर खोजेंगे, पठानकोट कहाँ है? पठानकोट कहाँ खोजेंगे? पंजाब में। तुरंत दिमाग जाना चाहिए, एक पंजाब के सर पे है एकदम ऊपर, कौन सा? पठानकोट। यहाँ किस लिए पठानकोट प्रसिद्ध है? एयरबेस के लिए। किसके लिए? एयरबेस के लिए, वायुसेना अड्डा, वायुसेना का अड्डा। हो गया, पठानकोट मिला सब लोगों को। यहाँ पर पठानकोट से नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा अमृतसर। अमृतसर मिला, अमृतसर सब लोगों को मिला। हाईलाइट कीजिए अमृतसर को सब लोग। अमृतसर पंजाब की राजधानी, अमृतसर पंजाब की राजधानी, तो अमृतसर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा नहीं है, वह एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हिंदुस्तान के केंद्र में आता है, हिंदुस्तान के शासन में आता है, वो किसी स्टेट के शासन में नहीं आता है। वह किस में आता है? केंद्र शासित प्रदेश में आता है। और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। तो कौन ऐसा जगह है जहाँ तीन स्टेट की राजधानी है? चंडीगढ़। कौन ऐसा जगह है जहाँ तीन स्टेट की राजधानी है? वो क्या हो रहा है, बंद कीजिए उसको, पहले जहाँ बता रहे हूँ वहाँ ध्यान दीजिए। कौन ऐसा जगह है जहाँ तीन स्टेट की राजधानी, उस स्टेट में एगो यूटी भी है, तीन गो स्टेट में एक यूटी है, यूटी को मिला करके तीन राज्यों की राजधानी, कौन सा जगह? चंडीगढ़। चंडीगढ़ देखिएगा तो यहाँ मिलेगा आपका कोना में, मिला चंडीगढ़। ऐसे गोल कर दिया होगा, गोल करने का मकसद कि इतना दूर का क्षेत्र चंडीगढ़ है और ये पंजाब का हिस्सा नहीं है, यह इतना दूर का केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़। मिल गया सब लोग को, मिला चंडीगढ़? चंडीगढ़ सब लोगों को मिला कि नहीं मिला? पीछे चलिए, आप लोग चंडीगढ़ मिल गया उसको हाईलाइट कर दीजिए। हाँ, हाईलाइट कर दिए। कौन ऐसा जगह है जहाँ तीन राज्यों की राजधानी, चंडीगढ़ की राजधानी, पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे देखिए, अमृतसर मिला, अमृतसर को हाईलाइट कीजिए सब लोग, सब लोग हाईलाइट कीजिए अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर को हाईलाइट कीजिए। देखिए अमृतसर क्या होता है पहले इसके बारे में समझते हैं। कुछ है क्या उधर, क्या है पीछे?
कुछ लिखा होगा, देखिए ना। कुछ लिखा होगा ना, ऐसा बात नहीं है क्या, कुछ लिखा होगा। वो लोग नक्शा पलट के देख रहे हैं क्या क्या इसमें है। अरे अभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं समझ में आएगा कि हर लोगों को यही प्रॉब्लम होता है एटलस वाले में, वो पलट पलट के देखता है सब बनाया हुआ है, घिजिर मिजिर क्या बनाया हुआ है। जो जो बारह अक्षर में लिखता है वो समझ में आता है, लेकिन बाकी उसके अलावा समझ में कुछ भी नहीं आएगा जब तक कि आप नहीं पढ़िएगा किसी टीचर से। समझ में आया? तो ये जो अमृतसर है सब लोगों को मिला, हाईलाइट कर दीजिए और ध्यान दीजिए मेरे पास हाईलाइट करके। अमृतसर जो शहर है वो किस राज्य में है? पंजाब में है। इतिहास में अकबर के नाम सुने हैं? तो महाराजा या राजा अकबर ने क्या किया था कि सिखों के चौथे गुरु रामदास को वो अमृतसर में क्या किया था, 500 बीघा क्या किया था, उसको दान में दे दिया था। क्यों दान में दिया था? इसलिए दान में दिया था कि जैसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जल क्या होता है, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जल गंगा जल, और मुस्लिम लोगों में सबसे पवित्र जल जमजम। हाँ जमजम क्या होता है, जमजम। और क्या बोलते हैं सिख में सबसे पवित्र जल अमृत, सबसे पवित्र जल अमृत। तो ये अकबर ने वो गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दे दिया कि आप वहाँ पर क्या बनाइए, वो वहाँ पर एक झील बना लीजिए, उसको बोलते हैं पवित्र झील को बोलते हैं अमृत। अमृत माने जल, यानी पवित्र जल, सिखों के पवित्र जल क्या बोलेंगे अमृत, हिंदू को गंगा, मुस्लिम को जमजम, और सिखों के लिए अमृत। अमृत वो सरोवर मतलब क्या होता है, झील। तो अमृत वाले झील को अमृत सर बोला गया, सर मतलब सरोवर, अमृत माने जल, तो उसी को बोला गया अमृत सर। तो उस सर मतलब सरोवर यानी कि वो झील है, और किस चीज़ का झील है, तो अमृत का झील है, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, अमृत सर। तो अमृत सर शहर को किसने बसाया, सिखों के चौथे गुरु रामदास। किसने बसाया, सिखों के चौथे गुरु रामदास। लेकिन अमृतसर शहर को बसाने के लिए 500 बीघा जमीन दान में किसने दे दिया, तो राजा अकबर ने। किसने दे दिया, शासक था मुगल वंश के था अकबर, तो मुगल वंश के अकबर था, उन्होंने दान में गुरु को दे दिया अपना। गुरु ने क्या किया, एक शहर बसा दिया और वहां पर एक अमृतसर नामक एक क्या बना दिया, सरोवर बना दिया। उस सरोवर के बीच में हर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। किसने करवाया, मान के चलिए ये हो गया अमृतसर सरोवर, एक बीचवा में एक मंदिर बना दिया, किसने बनाया, इस शहर को किसने बसाया, अमृतसर को रामदास। रामदास कौन से गुरु, चौथे गुरु, सिखों के चौथे गुरु। और पांचवे गुरु एक आए थे जिनका नाम था अर्जुन देव, अर्जुन देव। अर्जुन देव क्या किए कि इस बीच में ये जो एक मंदिर बनवाए, उस मंदिर का क्या नाम है, गोल्डन टेम्पल, हर मंदिर, क्या नाम है इसका, हर मंदिर। तो अमृतसर के बीच में हर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अर्जुन देव। अमृतसर शहर को किसने बसाया, रामदास। हर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अर्जुन देव। लेकिन इस हर मंदिर पर सोने की चादर किसने चढ़वा दिया, तो महाराजा रंजीत सिंह ने। सोने की चादर किसने चढ़वाया, सोने की चादर किसने चढ़वाया, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, रंजीत सिंह। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि हर मंदिर पर सोने का चादर किसने चढ़वाया, महाराजा रंजीत सिंह, तो सोने का चादर चढ़ गया, इसीलिए उसको बोला जाता है स्वर्ण मंदिर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर शहर को किसने बसाया, गुरु रामदास ने बसाया था। गुरु रामदास को 5 बीघा जमीन किसने दिया था, अकबर ने दिया था। उस अमृतसर के बीच में हर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अर्जुन देव ने। उस पर स्वर्ण मंदिर सोने का चादर किसने चढ़वाया, महाराजा रंजीत सिंह, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्वर्ण मंदिर। स्टार्ट हुआ था कहाँ से, जमीन से, पहुँच गए कहाँ तक, स्वर्ण मंदिर तक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं ना, चलिए। तो ये आपका अमृतसर समझ में आ गया, अमृतसर जो है ये मंदिर है। यहाँ के लोग क्या, पंजाब में यहाँ के पंजाब पाकिस्तानियों ने क्या किया,
कि कुछ लोगों को अर्थात हिंदुस्तान में सबसे स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा किसी के साथ मतलब अन्याय हुआ है तो वो सिखों के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? सिखों के साथ हुआ है। सिख लोगों को देखते हैं ना, दिल के बहुत ही साफ आदमी होते हैं। गुरुद्वारा में जाइएगा, देखिए कितना अच्छा से वो लोग खाना खिलाते हैं, लंगर चलता है उन लोगों का। चाहे जितना आदमी आ जाए उसे मतलब नहीं है, सबको खाना अच्छा से खिलाना है पेट भर के। आप 20 बार मांगिएगा तो 20 बार देगा, पानी खाना अच्छा से आपको देगा। इतना मतलब कि उन लोगों के अंदर इंसानियत है। जैसे देखिए कि शहर में इंसान होता है और गाँव में क्या होता है? इंसानियत होता है। उससे भी ज़्यादा इंसानियत कहाँ होता है? गुरुद्वारा में। क्या होता है? कहाँ होता है? गुरुद्वारा में। शहर में क्या होता है? इंसान। आ गाँव में क्या होता है? इंसानियत। और उससे भी बड़ा इंसानियत गुरुद्वारा में। तो सबसे बड़ा इंसानियत इन्हीं लोगों के अंदर होता है, सिखों के अंदर। लेकिन ये चोटा पाकिस्तान वही बगल में बैठा है, पंजाब के ठीक बगल में। देखिएगा इधर क्या लिखा होगा, देखिएगा पाक मिला, पाकिस्तान मिला। हाँ तो पाक मतलब पवित्र। आप पवित्र पाकिस्तान उसका नाम क्यों पड़ा? पाक माने पवित्र, आस्थान मतलब कि वहाँ रहने वाले लोग। तो पवित्र आस्थान में रहने वाले लोग को पाकिस्तान बोला जाता था। तो पाकिस्तान कितना पवित्र है आपसे छुपा हुआ है हम लोगों से। हाँ जितना अच्छा इसका नाम है पाक, उतना ही हरकतें करता है नापाक, करता है कि नहीं? तो बगल में कौन सा देश? पाकिस्तान। ये क्या किया कि अमृतसर में रहने वाले जितने सारे लोग थे उन लोगों को, सिखों को, कुछ लोगों को ये चढ़ा बढ़ा करके उनका माइंड वाश करके और ये आतंकवादी बनाने लगा। इस सबको आतंकवादी बनाते बनाते ये मंदिरवा बीच जो बीच में था, ये मंदिरवा में हथियार रखने लगा सब सिख वाला। जो सब नहीं, जितने नॉर्मल सिख लोग थे वहाँ पे, वो जनरली रूप से वो आज भी मतलब कि अच्छे थे। उस पर्दा को फैला दीजिए, लाइट आ रहा होगा इधर वाला, बस बस उसी को। हाँ और बस ज़्यादा हो गया, बीच में और सटाइए, छोड़ दीजिए। तो ये क्या किया पाकिस्तानियों ने कि सिखों को उकसाना शुरू किया, धीरे धीरे उकसा करके सबको मतलब कुछ कुछ बीच में सब सिख को नहीं, कुछ कुछ सिखों को उकसा करके आतंकवादी बना दिया, उसका माइंड वॉश करके ये आतंकवादी बन गया। ये मंदिरों को क्या किया आपने? कब्जा में कर लिए। कब्जा में करने के बाद ये मंदिरों में हथियार रखने लगा सब, हथियार रखने लगा, हथियार रख के उसके बाद मासूम लोगों को मारता था। सिख में से ही कुछ लोग जो आतंकवादी बने थे सिखों पर अत्याचार कर रहे थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। 1984 ईस्वी में, कब? 1984 ईस्वी में भारतीय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी जब पीएम बनी तो उस समय 1984 ईस्वी में ये सब आतंकवादी इसमें घुस करके हथियार रखता था और जिसको मन करता था मारता था। ज़्यादा किसी को थोड़े मारेगा, वो सिखों लोगों को, बच्चे को मारता था, उन्हीं लोगों के विकास के सब रोक रहा था। तब यहाँ पर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ब्लू, किसका क्या नाम था? ब्लू ऑपरेशन, इसको बोलते हैं ब्लू ऑपरेशन। हिंदी में ब्लू कैसे लिखाता है? आधा ब, ब्लू ऑपरेशन। चलिए अपना हिंदी सुधार लीजिएगा। तो ब्लू ऑपरेशन किसने चलवाया? इंदिरा गांधी। कब चलवाया? 1984 में। और ब्लू ऑपरेशन के तहत सैनिकों को यहाँ पर पूरा भिरा दिया, एकदम चारों तरफ से घेर लिए सैनिक इसको। और उसके बाद वहाँ से सैनिक फोन कर रहे हैं इंदिरा गांधी के पास, मैडम सारा आतंकवादी तो उस मंदिर के अंदर घुसा हुआ है और मंदिर के अंदर घुस के हम लोग खून कैसे बहा सकते हैं? तो मैं ये इंदिरा गांधी बोली कि एक काम करो, अंदर घुस के सबको मारो। तो सब सेना बोला कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मंदिर के अंदर घुस के खून बहाया जाए। इंदिरा गांधी बोल रही है हम भी तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बने, पहली बार बने हैं। तो पहली बार बने तो जो कर रहे हैं वो पहली बार करो क्या? इससे पहले हम भी तो नहीं बने हैं, जब इससे पहले ऐसा काम नहीं हुआ है। तो ये सारे सैनिक क्या हुए कि भीतर घुसे और सबको खोज के मारना शुरू किए, सबको मार के क्या किए? निपटा दिए। जब निपटा दिए तो सिखों के अंदर मतलब कि कुछ सिख ऐसे थे जिनके अंदर मतलब कि गुस्सा हुआ इंदिरा गांधी के खिलाफ कि सब सिख को मार दिया। लेकिन सिख को थोड़ी मारा गया था, आतंकवादियों को मारा गया था। अब उसके अंदर जब गुस्सा हुआ तो इनके इंदिरा गांधी के दो गो आपका क्या थे? बॉडीगार्ड। दो गो बॉडीगार्ड का नाम क्या था? कोई बताएगा? बलवंत सेन। बलवंत सेन नहीं, बलवंत राम। आ एगो दूसरा कौन था? सेवंत राम।
हाँ, बलवंत राम और सेवंत राम इंदिरा गांधी के दो गो बॉडीगार्ड, ये पिछले 5 सालों से उनके बॉडीगार्ड थी। इनके इंदिरा गांधी के आईबी को ये पता चल गया था कि सिखों को ये इंदिरा गांधी ने क्या किया, आतंकवादियों को मरवाया है, सिख आतंकवादियों को, उसको क्या बोला जाता था, खालिस्तानी बोला जाता था। सिख आतंकवादियों को आज भी क्या बोला जाता है, खालिस्तानी। तो ये खालिस्तानियों को मरवाई थी इंदिरा गांधी, तो अच्छी काम की थी भाई, इसमें कोई गलत क्या हुआ था। लेकिन सिखों को बुरा लग गया, तो कुछ सिख क्या किए कि दो सिख थे इनके बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी के, ये सिख इनका पहुंच यहाँ तक था, इन्होंने ये आईबी को पता चल गया था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ ये सब षड्यंत्र रचेगा। आईबी के जो चीफ थे दोनों को हटा दिया, बलवंत राम और सेवंत राम दोनों को साइड बॉडीगार्ड को हटा दिए थे। लेकिन ये दोनों कॉल करके इंदिरा गांधी से डायरेक्ट बोल रहे, मैडम हम 5 साल आपकी सेवा किए हैं, मेरे ऊपर से आपका विश्वास हट गया। अब ये जब पीएम बोले कि ठीक है दोनों को ड्यूटी में लगा दो, जब पीएम बोल दिया तो आईबी या रो नीचे वाला ये सब क्या करेगा, दोनों को लगा दिया। अब मैडम जा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, क्या करने जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी। इनका दोनों बॉडीगार्ड दोनों साइड था, एकदम मशीन गज लिए हुए, और मैडम जा रही है पीछे से, दोनों एक उस साइड एक इस साइड, और दोनों जा रहा है, बीच में मैडम आगे आगे जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या किया कि स्टार्ट किया एकदम एक जोरा से 31 को गोली मारा, तब तक इंदिरा गांधी की गोली मारा जब तक उनका प्राण निकल ना जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब इंदिरा गांधी यहाँ से क्या हुई, स्वर्ग में इंदिरा गांधी 1984 में स्वर्ग में चली गई। उसके बाद ये अमृतसर फेमस हो गया और ज़्यादा, किसके लिए फेमस हो गया, खालिस्तानियों के लिए, हाँ खालिस्तान टेररिस्टों के लिए। यहाँ से इंदिरा गांधी तो इसको समाप्त कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद जितने सारे सिख लोग थे यूपी में, बिहार में, पंजाब में, क्या बोलते हैं हरियाणा में, जहाँ जहाँ सिख था सबको पकड़ पकड़ के इतना मार मारा सब, तो वो सब गलती किया था। सबको मारने की क्या जरूरत था, दो आदमी मर्डर किया आ पूरा आदमी को मारी, एक दो को क्या किया था, इस दोनों में से एक बड़ा मर्डर किया आ सारे सिख लोग क्या हुए, मारे गए, सिखों के बच्चे मासूम बच्चे मारे गए। हो सकता था कि उस सिख में से कोई APJ अब्दुल कलाम निकल सकता था, कोई अटल बिहारी वाजपेयी निकल सकता था, निकलता कि नहीं निकलता, कोई डॉक्टर निकल सकता था, कोई इंजीनियर निकल सकता था, कोई नेता अच्छा नेता हो सकता था, फिर से कोई इंदिरा गांधी बन सकती थी कि नहीं, उस सब महिलाओं में से सबको इतना मार मारा गया, इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ कि उसके बाद पूछिए मत। उसी को बोला जाता है आजकल नाम, मतलब सुनते होंगे न्यूज़ चैनल पर, 1984 का सिख दंगा, क्या सुनते होंगे 1984 का सिख दंगा, तो वही दंगा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा डीप में मत जाइए, अभी इतना ही समझिए। अमृतसर ये समझ में आ गया, हाईलाइट कर दिए। अमृतसर शहर को किसने बसाया, किसने बसाया, अमृतसर शहर को बसाया था गुरु रामदास, लेकिन जमीन को दान में किसने दिया था, अकबर ने। इस अमृतसर को बसाया था गुरु रामदास। अमृतसर में हर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, गुरु अर्जुन देव, सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव, आ सिखों के चौथे गुरु रामदास ने इस शहर को बसाया था। लेकिन हर मंदिर का निर्माण कहेगा तो अर्जुन देव, लेकिन इस पर जब पूछेगा कि सोने की चादर किसने चढ़वाया, महाराजा रंजीत सिंह, उस समय से ये किस नाम से पुकारने लगा, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। तो अब क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये नहीं पूछता है कि हर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अब पूछता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो गुरु अर्जुन देव, क्या मारिएगा, गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, गुरु अर्जुन देव। यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे बढ़े हैं, चलिए अब यहाँ पर अमृतसर से जैसे आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोयम्बटूर, मिला कोयम्बटूर नहीं, यहाँ पर सॉरी कपूरथाला, कपूरथाला सब लोगों को मिला, कपूरथाला, कपूरथाला को हाईलाइट कर दीजिए। और कपूरथाला किस लिए प्रसिद्ध है, रेल कोच फैक्ट्री के लिए। पंजाब में कपूरथाला किसके लिए प्रसिद्ध है, रेल कोच फैक्ट्री के लिए। बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछता है कि कपूरथाला रेल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ है, आचार को ऑप्शन दे देगा, तो क्या याद रखना है, कपूरथाला। पंजाब के कपूरथाला किस लिए प्रसिद्ध है, रेलवे कोच फैक्ट्री। पंजाब के कपूरथाला किसके लिए प्रसिद्ध, रेल कोच फैक्ट्री। कपूरथाला के बगल में यहीं पर देखिएगा तो आपको एक जगह का नाम मिलेगा जिसका नाम है, क्या बोलते हैं उसको, इसी के ठीक बगल में कोई जगह का नाम दिया हुआ है, जालंधर, हाँ ठीक है जालंधर। जालंधर किस लिए प्रसिद्ध है, कपड़ा उद्योग के लिए, इसी को बोलते हैं हिजरी उद्योग, क्या बोलते हैं, हिजरी उद्योग। अर्थात जालंधर पंजाब में किस लिए प्रसिद्ध है, तो कपड़ा उद्योग के लिए, किस लिए प्रसिद्ध है, कपड़ा उद्योग के लिए। पठानकोट किस लिए प्रसिद्ध है,
पठानकोट किस लिए प्रसिद्ध है? एयरबेस के लिए। तीसरे नंबर में अमृतसर हो गया, अमृतसर के बाद में कपूरथला, कपूरथला किस लिए प्रसिद्ध है? रेल कोच फैक्ट्री के लिए। किसके लिए? रेल कोच फैक्ट्री। आप चलिए, अमृतसर किस लिए फेमस है? स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। जलंधर बताइए किस लिए प्रसिद्ध है? जलंधर कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, कारा लिख दिए, कपड़ा उद्योग। यहाँ तक कोई डाउट? अब जलंधर से जैसे आप आगे चलिएगा तो यहाँ पर आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है चंडीगढ़। मिला? चंडीगढ़ के राजधानी हो चंडीगढ़ में, आई पूरे पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ में, आ हरियाणा की राजधानी नीचे देखिएगा तो नीचे आपका इस आकार में हरियाणा होगा। देखिए नीचे है इस आकार में हरियाणा। ये हरियाणा के राजधानी कहाँ पर? चंडीगढ़। हरियाणा के भी राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तीन राज्यों की राजधानी चंडीगढ़, तो ऑप्शन में जहाँ देगा खोज लीजिएगा। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, ये कपूरथला के बगल में देखिएगा, यहाँ पर मिलेगा फिरोजपुर। मिल गया फिरोजपुर, सब लोग को मिला। ये पाकिस्तानी के, ये मतलब बॉर्डर पे है, एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पे। फिरोजपुर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बॉर्डर पे, इधर से पाकिस्तान के बॉर्डर लगता है। यहीं पे जा रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। कब जा रहे थे याद है? जिसको फ्लाईओवर पर रोक दिया गया था, एनएसजी कमांडो लेकर के जा रही थी। कहाँ पे? यहीं पे लेके जा रही थी। देखिए ये है आपका पंजाब, और पंजाब में पूरा क्रॉस करके आप लेके जा रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे। अब पाकिस्तान बॉर्डर पर लेके जा रहे हैं, आप पंजाब के डीजीपी गायब है। अब बताइए कि कितना लापरवाही हुआ था। पंजाब के वैसे बॉर्डर पे जा रहे हैं जहां हमारे दुश्मन देशों का बॉर्डर है, और आप ही के राज्य के डीजीपी आपको लेने नहीं जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको कुछ पता नहीं चला? आपका काफिला चला गया, जा करके पुल पर जाकर 20 मिनट रोक के रखा था एनएसजी। वहां एनएसजी की भी गलती थी। किसका गलती था? एनएसजी। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस। क्या बोलते हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या बोलते हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। उसके बाद उससे भी ज़्यादा गलती था एसपीजी। क्या, किसका गलती था? एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोलते हैं उसको। यानी कि एनएसजी का ही भाग होता है, एनएसजी का भाग होता है, लेकिन एनएसजी से ये ऊपर कौन होता है? एसपीजी। प्रधानमंत्री जहाँ चलते हैं उसके आसपास में देखिएगा कि कोई सूटकेस लेके दौड़ता है, कोई ऐसा ही दौड़ता है, कोई, जितने प्रधानमंत्री के आसपास में फर्स्ट घेरा में किसकी सुरक्षा? एसपीजी की, स्पेशल सुरक्षा, क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। तो एसपीजी की भी गलती थी, ये ले जाकर एसपीजी फ्लाई ओवर पर रुका था। मान के चलिए फ्लाई ओवर पर, यहाँ पर ये बीच में रुका था, इसे पुल पे फ्लाई ओवर पर ले जाकर यहाँ रुके हुए, और नीचे वहाँ से कोनो आईडी, उधर से तो ब्लॉक हो गया, इधर से जाम हो गया, किसान जाम कर दिया सब। जब किसान जाम कर दिया तो पीछे से भी कोनो आता, आ इधर से आप जाम रोड कर देता, तो आप बीच में फंसे हुए थे फ्लाई ओवर पर, नीचे से आईडी लगा के उड़ा देता, तब क्या करते? यहाँ भी तो गलती है। तो ये सब को, ये सब अपना अपना गलती किया था, गलती किया था कि नहीं किया था? जब आपको लगे कि हमारा रास्ता आगे काफिला जाम है तो यहाँ 20 मिनट रुकने की क्या ज़रूरत है, 5 मिनट काफ़ी है, इसको यहाँ से यू टर्न लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। फ्लाई ओवर से नीचे आके दिन भर डेरा डालिए ना, कौन रुकता है आपको? फ्लाई ओवर पर रुके, यहाँ से कौन कनेक्शन काट दे, आईडी लगा दे, तो आप क्या कीजिएगा? फ्लाई ओवर पर प्रधानमंत्री उड़ा तो नहीं लीजिएगा, उतारिएगा कैसे? तो ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब भी गलती किया था। दूसरा गलती किया था, ये पंजाब के डीजीपी गायब है, हमारे राज्य में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप पुलिस निर्देशक गायब हो गया। अरे भाई ये कौन सा नियम है? कम से कम वहाँ एसपीजी को रहना चाहिए। फिरोजपुर मिल गया, फिरोजपुर को आप लोग क्या कीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। फिरोजपुर एक ऐसा जगह है पंजाब का जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है। किससे लगता है? पाकिस्तान से। फिरोजपुर के बगल में देखिएगा यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर मिलेगा आपका अटारी बॉर्डर। मिला? अटारी, अटारी बॉर्डर। नक्शा में दिया होगा चाहे नहीं दिया होगा, बाघा दिया है, अटारी नहीं दिया है, तो अटारी के बगल में देखिएगा तो दिया होगा आपका बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर मिल गया,
बाघा बॉर्डर पर क्या होता है, परेड होता है, हिंदुस्तान के सेना और पाकिस्तान के सेना दोनों जाते हैं सामने और यहीं पर परेड करते हैं, गेट बंद रहता है, गेट जब खुलेगा आमने सामने परेड करेगा सब अपना अपना ड्यूटी पे। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में किस बॉर्डर पर परेड होता है, तो बाघा बॉर्डर पर परेड होता है, लेकिन किस बॉर्डर से व्यापार होता है, तो अटारी बॉर्डर से। किस बॉर्डर से व्यापार होगा, अटारी। पाकिस्तान के ट्रक हिंदुस्तान में किस बॉर्डर से आएगा, अटारी बॉर्डर से। और हिंदुस्तान के ट्रक पाकिस्तान में किस बॉर्डर से जाएगा, अटारी बॉर्डर। और कहीं से घुस सकता है, और पाकिस्तान के ट्रक और कहीं से घुसेगा, घुसने से पहले ही टायर उड़ जाएगा, कहाँ जाएगा था नहीं चलेगा। ठीक, अब चलिए इसके आर डी एक्स देखिए, RDX जो होता है ना वो एक विस्फोटी पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। एक इतना मतलब कि एक केजी RDX ना बहुत सारे लोगों का जान ले सकता है, हाँ आराम से उड़ा सकता है। देखिए वो जो CRPF के 40 जवान हमारे शहीद हुए थे उसके काफिला में जा करके एक कार टकरा गया, उस कारवा में 20 kg RDX रखा हुआ था, 40 जवान हमारे शहीद हो गए, बॉडी का आता पता कुछ नहीं चला। हद तो तब हो गया जब उस जवान में से एक जवान की माँ बोली, जब उसका मतलब कि बॉडी गया घर पे, तो वो माँ बोल रहे थे उसका, ये बताइए साहब कि जब आप भर्ती लेते हैं तो 1 inch कम नहीं लेते, 1 cm, हम अपना बॉडी ले लें क्यों, आधा शरीर ले लें वापस, उसकी माँ बोल रही थी। तो हमारे देश के लिए बहुत सारे हिंदुस्तान के माँ अपने बेटों को कुर्बान कर देती है, अपने पति को कुर्बान करती है, बहुत सारी बहनें अपने भाइयों को कुर्बान कर देती है, और ये सब घोंचुआ के ये सब नहीं बुझाता है हम सबको, ये सब खाली बम बनाएगा, बारूद बनाएगा। हम लोग देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों कब आज़ाद हुआ था, 1947 ईस्वी 15 अगस्त 1947 में दोनों साथ साथ आज़ाद हुआ, या पाकिस्तान का जन्म हुआ यह मान लीजिए। लेकिन हिंदुस्तान कहां से कहां तक आ गया, देखिए हिंदुस्तान में क्या हुआ, 70 साल में चाहे किसी भी दल की पार्टी आए, उन्होंने भुखमरी से लड़ा, बेरोजगारी से लड़ा, मैं क्या बोल, जिसका नतीजा है कि आज इंडिया देख लीजिए दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर IT के क्षेत्र में कौन है, हिंदुस्तान बना हुआ है। IT के क्षेत्र में दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर हिंदुस्तान बना हुआ है। इंडिया ने क्या बनाया, एम्स बनाया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था बनाया कि नहीं बनाया, इसरो बनाया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चांद पर भेज रहे हैं हम लोग मनुष्य को, इंडिया ने बनाया। ठीक, तो हमने इसरो बनाया, हमने एम्स बनाया, हमने DRDO बनाया, हमने ये सब बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी को पैदा किया, हमने APJ अब्दुल कलाम बनाया, हमने डॉक्टर बनाया, हमने इंजीनियर बनाया। पाकिस्तान वाले को देखिए इसने क्या बनाया, आतंकवादी बनाया, मसूद अजहर बनाया, लश्कर ए तैयबा बनाया, इसके अलावा वो सब कुछ बनाता है, परमाणु बम बनाया, और वो बम बनाया है कि फूस दिन करके रह जाएगा, इमरान चाचा को बनाया नवाज चाचा को बनाया, वो अपने जो जिसको आ रही क्या बोलते हैं उसके अदालत फांसी की सजा दे दिया था नवाज चाचा को, तो वो सब ऐसे ऐसे अपने चाचा को बनाते हैं, क्या कीजिएगा। हम लोग को बनाना रहता है, हम APJ अब्दुल कलाम को बनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को बनाते हैं, इंदिरा गांधी को बनाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बनाते हैं हम लोग। चलिए ये लोग समाज में नहीं आता है, तो किस बॉर्डर से भारत पाकिस्तान के बीच में व्यापार, किस बॉर्डर पर परेड, बाघा। अब फिरोजपुर मिला, फिरोजपुर पाकिस्तान के पंजाब के शहर है जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर लगाता है। इसके नीचे जब आइएगा तो, और नीचे सबसे नीचे और सबसे राइट साइड में चलेंगे, राइट साइड किधर है, पूर्व दिशा में, सबसे नीचे और सबसे राइट साइड में चलेंगे तो आपको मिलेगा मोहाली। मोहाली मिला, मोहाली। तो मोहाली किस लिए फेमस है, पंजाब में मोहाली क्रिकेट के स्टेडियम के लिए फेमस है, किसके लिए, पंजाब में मोहाली किसके लिए फेमस है, क्रिकेट स्टेडियम के लिए। मोहाली किसके लिए फेमस है, क्रिकेट स्टेडियम के लिए। मोहाली से लेफ्ट साइड में आएंगे और थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लुधियाना, लुधियाना मिला, लुधियाना, लुधियाना। पंजाब के सबसे बड़ा शहर के नाम बताइए, लुधियाना। पंजाब के सबसे बड़ा शहर लुधियाना किस लिए फेमस है, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, किसके लिए, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। पंजाब के कौन सा शहर ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, लुधियाना। कपड़ा के लिए कौन सा फेमस है,
कपड़ा उद्योग के लिए जलंधर, हिजरी उद्योग के लिए जलंधर, एयरबेस के लिए जलंधर, यहाँ तक ओ एयरबेस के लिए पठानकोट, स्वर्ण मंदिर के लिए अमृतसर, रेल कोच फैक्ट्री के लिए कपूरथला। ये बताइए कौन सा जगह पठानकोट में कौन सा चीज़ है एयरबेस के लिए फेमस है? ये कौन सा जगह अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेंपल, स्वर्ण मंदिर। ये बताइए कौन सा जगह जलंधर किस लिए प्रसिद्ध है? हिजरी उद्योग या कपड़ा उद्योग के लिए। ये बताइए कौन सा जगह कपूरथला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बताइए कौन सा जगह फिरोजपुर किस लिए प्रसिद्ध है? फिरोजपुर, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, फिरोजपुर, फिरोजपुर ये बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, ठीक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान क्या बोलते हैं, पंजाब के सबसे बड़ा शहर लुधियाना किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए? ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। केवल कपड़ा उद्योग के लिए तो जलंधर, ठीक। मोहाली ये कौन सा जगह है? मोहाली किसके लिए फेमस है? क्रिकेट स्टेडियम के लिए। पंजाब में पूछेगा मोहाली किसके लिए? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के लिए। सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। जबकि मोहाली क्रिकेट स्टेडियम पंजाब में। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से जैसे आप बाएं साइड आइएगा, इधर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर भटिंडा, भटिंडा को सब लोग हाईलाइट कीजिए। भटिंडा मिला? भटिंडा सब लोग नहीं मिला? भटिंडा हाईलाइट कीजिए। भटिंडा को एशिया में सबसे बड़ा सैनिक छावनी कहाँ स्थित है? भटिंडा में। एशिया के सबसे बड़ा सैनिक छावनी भटिंडा में। एशिया के सबसे बड़ा सैनिक छावनी भटिंडा किस देश में है? हिंदुस्तान में। किस देश में है? हिंदुस्तान के किस राज्य में? पंजाब में। यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सैनिक छावनी। हाई सब घोचू समझता नहीं है, एक बार में अगर खाली इशारा दे दिया जाए सैनिकों को तो ये पलक नहीं झपकेगा और पाकिस्तान समाप्त। क्यों? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी भटिंडा, मेरे पास ही है पंजाब में। एक बार इशारा दिया जाएगा पंजाब का नक्शा से, दम नक्शा से इसका नामो निशान समाप्त, खत्म। लेकिन इसको नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि मारिएगा तो गोलियों को पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये सब कोनो काम के नहीं है, खाली पृथ्वी पर बोझ बन के बैठा हुआ है। पहले पृथ्वी 18 घंटे में घूम जाती थी, एक दिन कितना घंटा के? 24 घंटा। कितना घंटा के एक दिन? अभी कितना घंटा के? 24 घंटा के। पहले कितना घंटा के? 18 घंटा के। लेकिन ऐसे ऐसे पाकिस्तानियों जैसा बोझ बन के पृथ्वी पर भार बढ़ा दिया है, जिसके कारण ये पृथ्वी 24 घंटा में घूमती है। पहले 18 घंटे में घूम जाती थी, पहले 18 घंटे में था, लेकिन बहुत पहले था, करोड़ों लाखों वर्षों साल पहले। एक दिन में कितना घंटा? हाँ, बिलियन वर्ष पहले एक दिन में 18 घंटा। घटते 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 अब क्या हुआ कि 24 घंटा जब होता है तब एक दिन, समय घटते गया। आज वर्तमान में 24 घंटा का एक दिन होता है, 18 घंटा का पहले एक दिन होता था। तो ये क्यों बढ़ गया भाई? पृथ्वी का बोझ बढ़ गया, इसका चाल कम हो गया। बोझ कहाँ से बढ़ा? तो आज जैसे एग्जाम्पल में पाकिस्तान, ऐसे ऐसे लोग सदियों तक पृथ्वी पर भार बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान जैसे। तो ये बोझ बन गया पृथ्वी पर, पृथ्वी का चाल कम कर दिया। क्या समझ में आ रहा है? पहले एक दिन में वो बोझ बना है, वो अपना विस्तार नीति दूसरे को पकड़ लीजिए, और नहीं देने का मन हो तो एक वाव पकड़ लीजिए, और कहिएगा कि वो भी मेरा है, ये भी मेरा है। पंचायत होगा तो बाद वाला पर होगा, पहले वाला कोई चर्चा नहीं करेगा। ये सब नीति चाइना के, लेकिन चाइना के तो चाइना के साथ हम लोग एग्जाम देंगे, पहले टेस्ट इधर ही ना देंगे, क्या सेट उठ मारेंगे तो इधर ही ना। इसीलिए उरी, उरी के नाम सुने हैं? उरी सर्जिकल स्ट्राइक टेस्ट था, उरी जल विद्युत परियोजना है, उरी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम सुने हैं? टेस्ट था, जैसे घर पर हम लोग सेट मारते हैं ना, टेस्ट था। एग्जाम में जाते हैं परीक्षा देने तो हम लोग कहाँ देंगे परीक्षा? तिब्बत से होते हुए बीजिंग में, शंघाई, शंघाई से होते हुए बीजिंग, ये अखंड भारत का निर्माण होगा। चलिए आप बताइए कि पंजाब का नक्शा आपके माइंड में आया? पंजाब में जब पूछेंगे कपूरथला किस राज्य में, तो तमिलनाडु में खोजिएगा,
कपूरथला कहाँ खोजिएगा? कोलकाता में, पंजाब में खोजिएगा ना। हाँ, तो बताइए पठानकोट किस राज्य में? कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, भटिंडा, फिरोजपुर, ये सब याद रहेगा ना। आप बताइए पठानकोट किसके लिए फेमस है? वायु सेना अड्डा के लिए प्रसिद्ध है। अमृतसर किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण मंदिर के लिए। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुरु, सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए 500 बीघा जमीन किसने दान कर दिया? किसने? अकबर ने दे दिया था। आप बताइए कि ये जो स्वर्ण मंदिर बना है, ये इसका शहर का मतलब कि निर्माण किसने करवाया? शहर को किसने बसाया था? चौथे गुरु शहर को बसा दिया अमृतसर। और उसमें हर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्जुन देव, पांचवे गुरु अर्जुन देव। हर मंदिर पर सोने की चादर किसने चढ़वाया? महाराजा रंजीत सिंह। किसने चढ़वाया? महाराजा रंजीत सिंह। अब अमृतसर से नीचे आइएगा, जालंधर किसके लिए प्रसिद्ध? हेजरी उद्योग या कपड़ा उद्योग के लिए। कपूरथला किसके लिए? रेल कोच फैक्ट्री के लिए। फिरोजपुर किसके लिए? सीमा सटाव के लिए। ये आपका बाघा बॉर्डर किस लिए फेमस है? भारत और पाकिस्तान के बीच में परेड के लिए। ये अटारी बॉर्डर किस लिए प्रसिद्ध है? भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापार करने के लिए। कौन सा बॉर्डर? अटारी बॉर्डर। देख लीजिए, व्यापार बंद कर दिए तो ससुरा मर रहा है सब खाई ला बिना, 18 दिन के भोजन बच रहा है उसके पास, सब मर जाएगा सब अपने से, मरो कामें कर रहा है उसे। आगे देखिए भटिंडा, भटिंडा दिखाई दिया? भटिंडा किस लिए फेमस है? एशिया के सबसे बड़ा सैनिक छावनी भटिंडा में। किस देश में? भारत में। किस राज्य में? पंजाब में। किस जगह में? भटिंडा में। मोहाली किस लिए फेमस है? स्टेडियम के लिए। इसमें से कहीं पे कोई डाउट नहीं। अब देखिए पंजाब के सर पे जो पठानकोट है ना, ये पठानकोट, इसके ऊपर से दो गो नदियाँ निकलती है। एक गो नदियाँ निकलती है जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम, झेलम। ठीक इसके नीचे से देखिएगा तो एक और नदी निकलती है जिसका नाम है चिनाब। क्या नाम है? चिनाब। क्या नाम है इसका? चिनाब। अब ये दो गो नदी के बाद जब देखिएगा तो एक और नदी यहाँ से निकलती है जिसका नाम है रावी। क्या नाम है इसका? रावी। इसके नीचे आइएगा तो एक और नदी है जिसका नाम है ब्यास। कौन सा नदी? ब्यास। और इसके नीचे आइएगा तो चाइना से एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज या सतलुज कहीं कहीं लिखता है, तो घबराना नहीं है उसके लिए, ठीक, सतलुज या सतलज। देखिए पांचों नदी के नाम बताइए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये पांचों नदियाँ यहाँ से तीन गो थी पंजाब से गुजर गया है, दो गो जो गुजरा, ये पंजाब का कुछ हिस्सा हमारा पाकिस्तान में भी है, अखंड भारत का, तो दो गो नदियाँ उसमें चला गया। आई तो ये भी तो पंजाब में गया, पाकिस्तानी पंजाब में, हालांकि वो हमारा ही पंजाब है मगर दे दिए हैं उनको। तो ये दो गो नदियाँ उस पंजाब से जाता है जबकि तीन गो नदियाँ इस पंजाब से। पहले सब मिलकर हमारा ही वो पंजाब था और पाँच नदियों को भूमि पंजाब। आज वर्तमान में कई गो नदी? तीन गो। छोड़ दिए हम लोग, क्यों आज भी कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? पांच नदियों की भूमि पंजाब, ये भी पंजाब हमारा ही है लेकिन दे दिए हम लोग रहने के लिए। अभी तो मर रहे हैं, उखाला भी ना, क्या कीजिएगा? हाँ रहने दीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ आपके हम परियोजना के नाम बता रहे हैं। जैसे तुलबुल परियोजना किस नदी पर? तुलबुल, तुलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। आगे देखिएगा सलाल परियोजना चिनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना चिनाब नदी। इसी पर, इसी का मतलब क्या होता है? इसी मतलब चिनाब बोलिए, इसी पर ना, इसी नदी होता है, मिसिसिपी, मिसौरी, वो दूसरा नदी है, इसी पर मत बोलिए। चिना देखिए सलाल परियोजना, तुलबुल, दुलास्ती, बगलिहार चिनाब, बगलिहार चिनाब, नाप्ता झाकरी सतलज,
नाप्ता झाकरी हो गया। नाप्ता झाकरी किस नदी पर? कोल डैम सतलज हो गया। कोल डैम सतलज क्या चीज में? इसलिए ना मतलब गुस्सा बढ़ता है तो बोलते हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हुआ क्या देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। अभी माना किया ना कि यहाँ ध्यान देना है, उसमें आपको अभी नहीं मिलेगा। जितना बताएंगे हम जब खुद बोलते हैं कि इसको आप हाईलाइट कीजिए तो उस समय एटलस में देखना हाईलाइट करना है। जब यहाँ दिखाए बताएंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा। चीना सलाल बांध परियोजना किस पर है? दुल्हस्ती बगलिहार तुलबुल थीन बांध परियोजना पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर इंदिरा गांधी नहर सतलज हरिके बैराज संगम पर है। देखिए हरिके बैराज कहाँ पर, यहाँ सतलज नदी आया और ऊपर से कौन सा नदी? ब्यास। आ दोनों का संगम कहाँ मिला? यहाँ पर। आ यहाँ पर मिलने के बाद थोड़ा सा हरियाणा और उसके बाद से राजस्थान, आ इसी को बोलते हैं हरिके बैराज, यानी कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ा सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर, आ इसी का नाम है इंदिरा गांधी नहर, इसी को बोलते हैं हरिके बैराज। बैराज का मतलब क्या होता है उसको समझिए। बैराज का मतलब होता है वैसा जल जिसको बांध बनाकर जिधर मन कर उधर मोड़ सकते हैं, लेकिन बांध का मतलब होता है कि वैसा बांध जिसको मोड़ नहीं सकते हैं, डैम होता है, केवल वहीं पर रख सकते हैं पानी को, लेकिन पानी को जिधर मन करे मोड़ के जिस दिशा में मन करे लेकर चले जाइए उसको क्या कहेंगे? बैराज। तो हरिके बैराज किस नदी पर? संगम पर। किस किस नदियों के संगम पर? सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास हरिके बैराज। कहीं आपको ब्यास न मिलेगा तो मुख्य रूप से क्या मार देना है? सतलज नदी पर। हरिके बैराज जो है वो आपका पानी किस नदी से लेती है? सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर से, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिंचाई वाला नहर इंदिरा गांधी नहर, सबसे मतलब कि ज़्यादा किसको लाभ? हाँ सबसे ज़्यादा लाभ देखिए ऊपर पंजाब, उसके नीचे थोड़ा सा हरियाणा, और सबसे ज़्यादा लाभ नीचे वाला राजस्थान को। राजस्थान के थार मरुस्थल में कहाँ जाता है पानी? राजस्थान के थार मरुस्थल में सबसे ज्यादा लाभ किसको? राजस्थान को। उससे कम हरियाणा, उससे कम पंजाब, उससे कम हरियाणा, हरियाणा में थोड़ा सा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बैराज समझ में आया क्या होता है? बांध समझ में आया? चलिए आगे चलें। आप बताइए तुलबुल परियोजना सतलज चिनाज पर कुछ बोल दीजिए, मतलब थोड़ा सा सोच के हम बोल रहे हैं सतलज तो चिनाज ये कौन परियोजना है? सतलज नदी के नाम है आ चिनाबो नदी के नाम है। तुलबुल परियोजना नाप्ता झाकरी थीन बांध परियोजना थीन रावी पर है। थीन बांध परियोजना हरिके बैराज थीन सलाल सतलज बोल रहे हैं, देखिए अभी याद नहीं है। सलाल चिना दुल्हस्ती देखिए कहाँ पर है? चिना थीन पो नाप्ता झाकरी यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो पंजाब है ना, ये पंजाब में थोड़ा सा एगो झील है गोविंद सागर झील, कहाँ से आता है? हिमाचल प्रदेश से आता है। आ यहीं पर इस झीलवे पर एगो बना है आपका, ये आपका भाखरा, भाखरा। तो भाखरा किस राज्य में? भाखरा 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 परियोजना भाखरा किस में? हिमाचल। जबकि नांगल किस में? नांगल पंजाब में, यहाँ पर नांगल। अब बताइए आपसे जब पूछेगा कि भाखरा किस राज्य में, नांगल, दोनों मिल करके गोविंद सागर झीलों पर है, इसीलिए एक नाम दे दिया गया भाखरा नांगल परियोजना। हालांकि है अलग अलग, नांगल है पंजाब में, भाखरा है हिमाचल में, दोनों है गोविंद सागर पर, इसीलिए दोनों का नाम दे दिया गया भाखरा नांगल परियोजना। किस नदी पर? सतलज पर। भाखरा नांगल परियोजना कोल डैम इंदिरा गांधी
नापता झांकरी थीन पोंग दुल्हास्ती बगलिहार तुलबुल। आज इतना ही, बाकी सब अगले क्लास में।